एआरटी आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में आपका लास्ट है फोर्थ नंबर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है लिखेंगे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में लिखेंगे मोस्ट कॉमनली यूज एआरटी, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ऐसी टेक्निक जब किसी कपल के बच्चा नहीं हो रहे, बच्चे ना होने पे टेक्निक का यूज़ किया जाता है। सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टेक्निक यही है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेक्निक। लिखेंगे मोस्ट कॉमनली यूज एआरटी इज आईसीएसआई मोस्ट कॉमन मोस्ट कॉमन एआरटी इज आईसीएसआई। अ सिंगल स्पर्म इज डायरेक्टली ट्रांसफर इंटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। अच्छा, तो ये इस टेक्निक में क्या किया जाएगा, इस टेक्निक में एक ही स्पर्म को डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाएगा ओवम के इंजेक्शन लेके, स्पर्म को डायरेक्ट वहीं पे भेज दिया जाएगा। इस टेक्निक को क्या बोलेंगे, आईसीएसआई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। लास्ट यही थी। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, बच्चा अगर हो रहा है तो कैसे रोकना है, बाय द ओसीपीस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आईयूसीडीज इंट्रायूटराइन डिवाइसेस हार्मोनल इंजेक्टेबल मेथड्स से या फिर एबॉर्शन से, बच्चा अगर यूट्रस में बढ़ गया है तो, ठीक है। और कौन सी टेक्निक थी, सब डर्मल इम्प्लांट वाली टेक्निक। उसके बाद में हमने आज ये टेक्निक्स पढ़ी, किस टेक्निक से अगर बच्चा हमें नहीं हो रहा है तो कैसे होगा। तो वो टेक्निक चार तरीके की टेक्निक है, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर टेक्निक, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जिसमें टेस्ट ट्यूब में हमने बता दिया, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन कराया डोनर का लेके, उसके हिसाब से फिर क्या किया, अगर 8 सेल के ब्लास्टोमेयर है तो अलग टेक्निक, 8 सेल से कम है तो अलग टेक्निक, 8 साल से ज़्यादा का ब्लास्टोमेयर का जायगोट हो चुका है अब क्या होगा, ब्लास्टोमेयर ठीक है जायगोट के बाद सेल डिवीजन अगर हो गई है तो अब क्या होगा, उसको कहाँ पर डाला जाएगा, उसको डाला जाएगा 8 सेल से अगर ज़्यादा का है तो यूट्रस में, 8 सेल से कम का है तो फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। उसके बाद आ गया गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट में हमने आपको बताया आर्टिफिशियली बाहर ये फर्टिलाइजेशन नहीं कराया जाएगा इस टेक्निक में, इस टेक्निक में क्या होगा, डोनर से एक जगह स्पर्म और एक जगह ओवम। अब मान लो मियाँ बीवी हैं, ये इन मियाँ बीवी की स्पर्म किसी मियाँ का यानी कि किसी हस्बैंड का स्पर्म नहीं बन रहा, या उसके अंदर टेस्टिस ख़राब है, स्पर्मेटोजेनेसिस ही नहीं हो रही, तो ऐसी कंडीशन में किसी और का स्पर्म क्या उधार लिया जाएगा, गिफ्टेड बतौर लिया जाएगा और उसको क्या किया जाएगा, फर्टिलाइजेशन बाहर नहीं किया जाएगा अंदर ही किया जाएगा। इतना समझ में आया गिफ्ट में, या फिर ऐसे ही कर लो औरत के केस में ओवर नहीं बन पा रहा है तो, समझ में आया। अब लास्ट है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या इंजेक्टेड किया जाएगा, साइटोप्लाज्म में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मोस्ट कॉमन है, आईसीएसआई एआरटी ये मोस्ट कॉमन है। अ सिंगल स्पर्म इज डायरेक्टली ट्रांसफर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, एक सिंगल स्पर्म को कहाँ पर ओवम के अंदर जाके हिट करवा दिया जाएगा। इतना समझ में आया, चैप्टर आपका हो गया फिनिश।